यहाँ के लोग कभी पाकिस्तानी नहीं बनेंगे। मोहब्बत की गाड़ी को यहाँ से चला के सारे देश में ले जाना है। मुसलमान और हिंदू जैसा पहले रहता था, भाईचारे में रहे, वो हम करेंगे। रियासत को मरकज के साथ काम करना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर सर एक ऐतिहासिक दौर से गुजर रहा है और इस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं वन ऑफ द टॉलेस्ट आइकॉनिक, पॉलिटिकली आइकॉनिक फिगर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, प्रेसिडेंट J&K नेशनल कॉन्फ्रेंस, और ये 5 times चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं जम्मू कश्मीर स्टेट के। वेलकम सर, वेलकम टू JK न्यूज़ टुडे। सर बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाएं। सर ये जो फर्स्ट इलेक्शन आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड स्टेट बिकमिंग UT, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस एंड हाउ डू यू डिस्क्राइब दिस इलेक्शन? दिस इज अ वेरी इम्पोर्टेंट इलेक्शन आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 and 35A. They have destroyed this state by making it UT. In the history of India since independence, UTs have been converted into states. This is the only state with a Muslim majority state that has been reduced from state to not only union territory and divided into 2 sections. Jammu and Kashmir, 1 section, and Kargil and Ladakh, 2nd section. This is unfortunate for our people and the government that is running in Delhi. I don't know what was in their mind to do this. Because if they want to make India strong, they can't make India strong by dividing people on religious basis. It's impossible. This country is unity in diversity. If you don't protect diversity, how do you unite India? After all, 200 years of British rule was also divide as much as you could. Mm-hmm. And they succeeded in dividing India into 2 sections. Despite becoming UT, ये वाली चुनाव जो हो रहे हैं, इसमें बहुत उत्साह देखने को क्यों मिल रहा है इतना? क्योंकि लोग इनके खिलाफ बहुत सख्त हैं, जबरदस्त हैं। इन्होंने एक रियासत को गिरा दिया। अब कहाँ रहा डोगरा, कहाँ रहा कश्मीरी? आज जम्मू की हालत देखिए क्या है, उनकी ज़मीनें जा रही हैं, सारे जो कॉन्ट्रैक्टर्स वो बाहर से आ रहे हैं। क्या हमारे लोग इस काबिल नहीं हैं? दफ्तरों में देखिए, अफसर सारे बाहर से हैं। क्या हमारे इतने बेवकूफ़ हैं जिन्हें 75 साल इस रियासत को चलाया? बताइए मुझे, आज आपके DC बाहर से हैं, आपके SSP और SP बाहर से हैं, इतना क्या हुआ? क्या हम लोग इस काबिल नहीं थे? उनका मकसद क्या है? मुझे फख्र है इस बात का कि जब गुलाम नबी आज़ाद साहब कांग्रेस के लीडर थे, अपोजिशन के लीडर थे राज्यसभा में, उन्होंने देवर रियासतों को कंपेयर किया, गुजरात को और जम्मू कश्मीर को, और हर नुक्ता जो था उसमें ने दिखाया बाय फिगर्स कि जम्मू कश्मीर कितना उस गुजरात की रियासत से भी ऊपर है हर चीज़ में। yes. मेरे ख्याल से ये अटका इनके दिल में कि ये रियासत कैसे इतनी ऊपर उठ गई है। और क्या कहते थे, ये 370 जो है उसने दूरियां पैदा की हैं। ये भी कहा उन्होंने कि जनाब कि आतंकवाद जो है उनकी मेहरबानी से आया। आतंकवाद 370 से नहीं आया, आज 5 साल से 370 नहीं है। क्या आतंकवाद है? कितना जम्मू में फैल रहा है क्या ये? और फिर कहते हैं टूरिज़्म बहुत आसमान पर चढ़ा, और भूल गए कि 98 में जब कारगिल वॉर हुआ, 99 में यहाँ 9 लाख टूरिस्ट थे ड्यूरिंग कारगिल वॉर। ये भूल जाते हैं, और टूरिज्म का वो देखते हैं ना, कहते हैं इतनी फिगर हैं, वो भूल जाते हैं कि माता वैष्णो देवी में कितने करोड़ों लोग आ रहे हैं। वो भूल जाते हैं कि यहाँ पे जो अमरनाथ जी की यात्रा करते हैं वो कितने लाखों में हैं,
मगर ये भी नहीं कहते लोगों को कि वो अमरनाथ की यात्रा के जिनको लाते हैं बसों में बिठाते हैं और बसों में बिठा के उनको जिस जो फिक्स मुकाम है वहाँ पे रुकाते हैं, वहीं पे वो पेशाब कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं, चाय पी सकते हैं, उससे बाहर नहीं जा सकते जी। और जब यहाँ लाते हैं रात को, यहाँ लग के रात को उनको निकालते हैं और ले जाते हैं सोनमार्ग है, और फिर मजाल है कि वो उससे हट सकें और वहाँ से सीधा ऊपर भगवान की पूजा, उसके बाद सीधा वापस गाड़ियों में श्रीनगर में। पहले वो घूमते थे यहाँ, डल में फिरते थे, यहाँ दुकानों में घूमते थे, मगर जब से इन्होंने हुकूमत संभाली है इनको कहीं भी हिलने नहीं देते, बस लाते हैं यात्री भवन में रख के सीधा वापस ले जाते हैं। हमारे वक्त में लोग आते थे, आराम से आते थे, और कोई उनको ये नहीं कहता था कि कहाँ जा रहे हो, क्योंकि भगवान की यात्रा करते थे और जाते थे, आराम से आते थे, घूमते थे, घूम फिर के वापस चले जाते थे। ये भूल जाते हैं वो, ये भारत में लोगों को कहते नहीं हैं। वही कश्मीरी, वही पहाड़ी, वही गुज्जर इनका सामान उठाते थे, इनको वो जो पिट्ठू जिसमें वो डांडियाँ होती हैं, डांड पालकियों में ले जाते थे। वही नहीं सोचते थे कि ये हिंदू है, तो सब हमने कभी नहीं सोचा इस रियासत में। बल्कि मेरे वालिद का नारा था शेर कश्मीर का, क्या इरशाद, हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद, कि हम सब एक हैं, हमने एक रहना है। कभी ये फ़र्क नहीं हुआ जो फ़र्क ये आज भारत में पैदा कर रहे हैं। सर, ये जो अलायंस हुआ बिटवीन कांग्रेस एंड नेशनल कॉन्फ्रेंस, आपने एक पिवटल रोल प्ले किया है, क्या सीक्रेट क्या रहा इस अलायंस? देखिए मैं आपको बताऊँ, सबसे बड़ा दुश्मन भारत में किस कौन है, इंसान का दुश्मन, ह्यूमैनिटी का दुश्मन कौन है? बीजेपी और आरएसएस। और उससे लिए हम लोगों को कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को इकट्ठे होना पड़ा, मजबूरी थी, ज़रूरत थी इस रियासत की, क्योंकि जो डिवाइड करना चाहते थे उस डिवीज़न को ख़त्म करने के लिए हम दोनों ने, जिनका मकसद एक है सेकुलर इंडिया, और उस सेकुलर इंडिया के लिए हम लोग इकट्ठे हुए। उन्होंने भी कुर्बानियाँ दी, हमने भी कुर्बानियाँ दी कई जगहों पर, मगर किस लिए? कि एक मजबूत स्टेट बने, एक मजबूत रियासत बने, जो हिंदुस्तान का ताज थी, जहाँ गांधी ने एक दिन जब सारे हिंदुस्तान पाकिस्तान में लोगों को मारा जा रहा था, वो चिराग देखा कि एक जगह है, एक रियासत है जिसमें इंसानियत है, ट्री ऑफ होप, और उसी इंसानियत को हम जिंदा रखना चाहते हैं। इन पंडितों का इस्तेमाल नहीं किया, किया 10 साल ये रहे, बताइए किस पंडित को लाए यहाँ? वो सिर्फ मनमोहन सिंह का वक्त था, उमर हुकूमत थी, जब मनमोहन सिंह जी ने यहाँ 3,000 कश्मीरी पंडित बच्चों और बच्चियों को नौकरियाँ दी, रियासत कश्मीर में लाए, और ये नहीं कि कैंपों में रखा जी, जी उन्हें नौकरियाँ की, नौकरियाँ करते थे। क्यों वो फिर भाग गए यहाँ से? अगर ये इतना कहते हैं कि इन्हें ये किया, मुझे बताएं आज कश्मीरी पंडित वो जो यहाँ काम करता है क्यों भाग गया? क्योंकि उसे लगा कि मैं इस माहौल में बच नहीं सकता जो इन्हें पैदा किया है, और उनका सिर्फ इस्तेमाल किया, कुछ नहीं दिया उनको, बस उनका वोट लिया, उसके बाद भूल गए। आज हम इस चीज़ को बदलाना चाहते हैं, दोनों मिलके वही मनमोहन सिंह की चीज़ को जिंदा करना चाहते हैं। हम इन्हें कैंपों में नहीं रखेंगे, हम चाहते हैं ये लोगों के साथ रहें, जहाँ इनका घर था उस घर को बना के देंगे, उस घर में रहें, और मुसलमान और हिंदू जिस तरह पहले रहता था भाईचारे में रहे, वो हम करेंगे। उसके जिम्मेवार जो कश्मीरी लोग नहीं थे, उसके जिम्मेवार हमारा पड़ोसी था जिन्हें उनसे निकाला यहाँ से, समझते थे कि एथनिक क्लेंजिंग करेंगे उसके बाद हम यहाँ मालिक बनेंगे, वो कभी यहाँ के मालिक नहीं बन सकते, यहाँ के लोग कभी पाकिस्तानी नहीं बनेंगे। सर, आपने कहा कि ये अलायंस जो है सेकुलर पार्टीज़ का, तो ये जम्मू कश्मीर की रीजनल पार्टीज़ बाकी क्यों नहीं ज्वाइन कर पाई? देखिए उनका अपना मकसद होगा, मैं किसी से जोर तो नहीं करता, मगर हमने अपने दरवाजे बंद कभी नहीं किए। कल भी अल्लाह ताला अगर हमें कामयाबी बख्शेगा
हम उनको अपनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर इस रियासत को बचाना है तो सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ही नहीं बचा सकते, बाकी लोगों को भी साथ चलाना पड़ेगा, तब ये रियासत इंशाल्लाह बनेगी फिर से और हिंदुस्तान यहाँ सूरज चमकेगा, ऐसा वह चराग नहीं होगा, ऐसा सूरज चमकेगा तो सारे वतन के लिए। जैसे राहुल कहता है कि नफ़रत की दुकान को बंद करना है और मोहब्बत की दुकान को आगे शुरू करना है, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ हमने नफ़रत की गाड़ी को डुबोना है और नफ़रत की गाड़ी को डुबोकर मोहब्बत की गाड़ी को यहाँ से चला के सारे देश में ले जाना है। सर, ये चुनाव हमने कहा कि बहुत ऐतिहासिक है, आप क्यों नहीं लड़ाई इसमें? देखिए, एक तो मेरी उम्र का सवाल है, मैंने सोचा भैया अब वक्त आ गया कि जवान लोग आए, क्योंकि काम बहुत है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इस रियासत की जो हालत इन सालों में हो गई है वो आपसे छुपी हुई नहीं है जी। देखिए कहाँ महंगाई पहुँच गई है, कहाँ हमारे लोगों के हालत है, कहाँ नौकरियाँ, जिसका इन्हें वादा किया था 50,000 नौकरियाँ का वादा किया था ना, कहाँ है वो? बल्कि नौकरियाँ देने के बजाय लोगों को निकाल रहे हैं नौकरियों में से, लूट लगी हुई है। इसको कैसे तब्दील करेंगे? हमें वो लोग चाहिए जो जवान हैं, जो पहाड़ों पर चढ़ सके। हमारे लोग पहाड़ों में बसते हैं, उनके पास भी ये पानी पहुँचना चाहिए जिससे कि वो उनका भी भला हो। इसलिए हमने सोचा, मैंने सोचा नहीं मैं अब उस लिए अब मैं वो नहीं कर सकता, मेरे में वो दम नहीं है जो जवानों में है। तो वक्त आ गया, आप जवानों को आगे आना है, वो गलतियां कर लेंगे तो हम जिंदा हैं, उनको ठीक कर सकते हैं जी। ये ज़रूरी था, इसीलिए हम इसकी तरफ कोशिश कर रहे हैं। बिनू जी, हमारा मकसद ही यही है कि वो जम्मू का हो, कश्मीर का हो, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, बुद्धिस्ट हो, जो भी हो, उसके लिए बराबर का सलूक किया जाए, उसके लिए बराबर की तरफ देखा जाए। यही मेरा कुरान सिखाता है मुझे, यही मेरा पैगंबर रसूलुल्लाह आका दो जहान सिखाते हैं जी, कि बराबरी करो सबसे। उसके सामने जवाब दे तो उसके पास जाना है, उसे तो बच नहीं सकते। मैंने तो मोदी जी से भी कहा था, वहाँ पर जवाब देना, वहाँ कोई मदद करने वाला नहीं होगा, वहाँ कोई अमित शाह नहीं होगा, वहाँ वो अकेला होगा, हम लोगों को जवाब देना है। सर, कांग्रेस के साथ आपने काफ़ी बार अलायंस किया, आपने मींस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, पहले वाले अलायंसेस में और इस अलायंस में क्या बुनियादी फ़र्क है? देखिए, कई फ़र्क है। उस वक्त ये यूटी नहीं थी, उस वक्त ये स्टेट थी, उस वक्त 370 था, 35 ही था, मगर सबसे ज़्यादा मदद हमें दिल्ली की चाहिए थी और वो सेकुलर जमात है। मेरे वालिद ने हर वक्त इतना तकलीफ़ें उठा के भी, जवाहरलाल के वक्त में 13 साल जेल काटने के बाद भी, मैंने वो दिन याद है जब जवाहरलाल और ये मिले और आंसुओं का दरिया बह रहा था दोनों में, मैं कभी भूल नहीं सकता। उसमें वो था, इंसानियत का था, जो इंसानियत आज गायब हो गई। सुनते थे जो, क्या आप समझते थे उस वक्त शेख अब्दुल्ला पाकिस्तान जा सकता है? मैं गया, कोशिश की कि दोनों मुल्कों में एक दोस्ती बनी। हम अंग्रेज़ों ने दीवार खड़ी कर दी थी, मगर उस दीवार को गिराने का रास्ता निकालना था, आगे भी निकालना है, क्योंकि दोनों वही लोग हैं जो डिवीजन से पहले थे, जबान वही, वही तरीका ज़िंदगी का। तो जब तक हम इसको कोशिश नहीं करेंगे इसको ठीक करने की, हम लोग कभी मोहब्बत में रह नहीं सकेंगे। तो जब भी वो कुछ करते हैं तो यहाँ पे मुसलमानों पे मुश्किल पड़ जाती है जी, यहाँ पे कुछ करते हैं तो हिंदुओं पे मुश्किल पड़ जाती है वहाँ, इसको तो मिटाना है। सर, अगर इंडिया अलायंस जम्मू कश्मीर में जीतता है तो सेंटर से सपोर्ट मिलेगी आपको गवर्नमेंट चलाने के लिए? हुकूमत और रियासत की हुकूमत का, सेंट्रल का अलग चीज़। मुझे याद है
जब राजीव गांधी जी हार गए तो मैं ह्यूस्टन के अस्पताल में था अमेरिका में, मुझे इन्हें कहा था कि मुझे हार्ट अटैक हो गया। तो वहाँ भी मुझे कॉरेस्पॉन्डेंट ने पूछा दिल्ली से कि बताइए साहब आप तो ये हार गए हैं, आप कांग्रेस के साथ रिश्ता था। मैंने कहा देखिए पार्टी और पार्टी का रिश्ता मिटता नहीं है और हुकूमत का रिश्ता अलग है, हम ये दो रिश्ते कभी नहीं इकट्ठे करते, सियासत को मरकज के साथ काम करना पड़ेगा, फंड्स वहीं से आते हैं, वहीं से हमारी मुश्किलें कम होती हैं, तो इनसे हमारा रिश्ता जो है वो रहेगा जो भी वहाँ हुकूमत करेंगे, मगर कांग्रेस से रिश्ता टूट नहीं सकता कुछ भी ये कर ले, इंडिया गठबंधन से हमारा रिश्ता रहेगा। सर 1983 प्रॉब्ली आपने पहली इलेक्शन लड़ी थी, वो वाली इलेक्शन में और आज की इलेक्शन में क्या फ़र्क देखते हैं कश्मीर में? बहुत फ़र्क है। उस वक्त सबसे टॉलेस्ट लीडर न सिर्फ जम्मू कश्मीर के सारे हिंदुस्तान के शेर कश्मीर शेख महमूद अब्दुल्ला जिंदा थे, उनकी छत्र छाया में वो इलेक्शन लड़ा गया और उस वक्त उनकी आवाज़ लोगों के दिलों में पड़ती, वोट नहीं रहे, वही हाल था जो आज राहुल का होगा। उस वक्त जवाहरलाल नेहरू थे जब इंदिरा थी, फिर इंदिरा थी तो राजीव आए, ये चलता रहता है। कैन यू फिट इन टू शूज ऑफ शेख मोहम्मद अब्दुल्ला? दे आर टू बिग, आई डोंट थिंक आई विल ट्राई एंड अचीव एज मच एज आई कैन, मैंने ये कहना कि मैं उनके उस रुतबे पहुँच सकूँगा मुश्किल है। क्या कोई गांधी बना, क्या कोई नेहरू बना, वो अलग ज़माना था, अलग उनकी वो जो उन्हें कितनी जेलें अंग्रेज़ों में खाई थी, कितनी तकलीफ़ें उठाई थी, सिल्वर स्पून से पैदा हुए थे, मगर चले, लोगों को छोड़ा नहीं, वो ज़माना और था, ये ज़माना और है। आज दौलत के पीछे लोग भाग रहे हैं, पैसा पैसा पैसा, आज वो बात नहीं रही जो पहले थी, वतन मुल्क को बनाना है, लोगों की मुश्किलों को निकालना है, वो बात उस वक्त थी, आज कुर्सी 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 बस, ये फ़र्क। सर ये होम मिनिस्टर अमित शाह भी काफ़ी बार कह चुके हैं दैट आर्टिकल 370 इज़ अ हिस्ट्री नाउ एंड इट्स बरिड, वेयर एज आपका मैनिफेस्टो कहता है कि 370 के ऊपर बात होगी, उसके ऊपर रेजोल्यूशंस होंगे, स्टेटहुड पे बात होगी, तो हाउ विल यू गो अहेड? मैं अमित शाह साहब से बड़ी मेहरबानी से ये बात सुनाना चाहता हूँ कि बताइए उन्होंने ये हटाने का काम उसी वक्त से किया था जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ और हमें 370 मिला था, इनकी पार्टी का संकट तो यही था ना, इनको कितने साल लगे, 75 साल लगे इनको हटाने के लिए, क्या परवाह है, हमें क्यों ना 200 साल लगे, मगर हमने ये मुद्दा छोड़ना नहीं, ये लोगों से जुड़ा हुआ है, लोगों के दिलों से जुड़ा हुआ है। बताइए क्या मेरे कश्मीरी को राजस्थान में नौकरी मिलेगी, कैसे यूपी में नौकरी मिलेगी, कहाँ मिलेगी? महाराजा कश्मीर पागल नहीं थे हरी सिंह, उन्हें 1927 में जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक था, कोई पाकिस्तान हिंदुस्तान नहीं था, क्यों ऐसी चीज़ें लाईं? क्योंकि वो जानते थे, उन्हें 1927 में जब कानून लाया कि हमारे डोगरा कहाँ जाएंगे, और बहुत गरीब थे, पंजाब सारी तरफ था, पंजाब अमीर था, वो इनकी ज़मीनें ले जाते, इनकी नौकरियां ले जाते, ये कानून लाया उनको बचाने के लिए, उनका तशख़्ुस बचाने के लिए कि डोगरा रहेगा, डोगरी ज़बान रहेगी, डोगरा इतिहास रहेगा, है आज भी तो वही चीज़ है, आज तो सब बाहर से हैं, आपके सारे अफसर बाहर से,
सब कोई बाहर से, कहाँ रहा डोगरों का तशखुस, कहाँ रहा उनका वो, ये डोगरी मिटा देंगे, यही हमारे कश्मीरियों का हाल है। हम जुड़े हुए हैं इस ज़मीन से, जुड़े हुए हैं, उसको बचाने के लिए हमने ये रखा है और इसमें करेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ तो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है। आप देखिए सुप्रीम कोर्ट ने इस बार जजमेंट दी थी ना इनके फेवर में, मगर उसके दो जजमेंट्स पहले देखिए जो तीन 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 जजेस ने दी हैं जी। उसमें कहा ये परमानेंट है, इसको नहीं हटा सकते। मैं इनसे एक सवाल पूछता हूँ कि साहब जो ये शेड्यूल कास्ट को 25 साल का था ना रिजर्वेशन जी, 75 साल हो गए रिजर्वेशन चलते हुए, हटा नहीं सकते तो जम्मू कश्मीर के इस आईन के 370 को क्यों हटाने की इनको छठी पड़ी, क्या मकसद था इनका? इसका जवाब ये देते नहीं, क्योंकि जानते हैं इनके दिल में काला था। जिन लोगों ने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए लड़ाई नहीं लड़ी, जिन्होंने अंग्रेज़ों से ये कहा कि हम तुम्हारे साथ हैं, ये जो कांग्रेसी लड़ रहे हैं आपके खिलाफ हम इनके साथ नहीं हैं, उनकी चिट्ठियां हैं, हिस्ट्री है, आज वही कहते हैं कि हम हिंदुस्तान को बचाएंगे। अफसोस मुझे आता है, वही लोग जो अंग्रेज़ों के पलवे थे जी, आज कहते हैं कि हम हिंदुस्तान को बचाने के लिए तय खड़े हैं। अगर हम सर इफ़ वी टॉक स्ट्रेट, क्या कश्मीरी लीडरशिप का कोई फेलियर रहा है इन एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370? देखिए हमारा तो रहा होगा ज़रूर, हमने मेरे ख्याल से ये काम नहीं किया कि उसी वक्त इसको परमानेंट करना चाहिए था, उसको रखना नहीं चाहता टेम्प्रेरी बेसिस पे, क्या चलता उस वक्त नहीं बनते हम लोग मुल्क का साथ नहीं देते। ठीक है, महाराजा कश्मीर तो चाहते ही थे कि आज़ाद मुल्क हो, उन्होंने कोशिश की थी जिन्हा से बात करके कि जो उन्होंने वो रखा था कि हमें वक्त दीजिए कि हम फैसला करें एक डोमिनियन में जाएंगे या दूसरे डोमिनियन में जाएंगे या आज़ाद रहेंगे। महाराजा कश्मीर तो चाहते ही नहीं थे ना हिंदुस्तान में जाना ना पाकिस्तान में जाना, हमने उनका साथ नहीं दिया, हम लोगों ने कहा नहीं हमने हिंदुस्तान में रहना है। उस वक्त हम नहीं समझते थे कि एक दिन आएगा कि ऐसे शातिर लोग आएंगे हुकूमत में जो हिंदुस्तान को बांटने की कोशिश करेंगे, ये हमें कभी उम्मीद नहीं थी, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था, ख्वाब में नहीं सोच सकता था कि ऐसी ताकतें आएंगी। और उस वक्त मैं होता शेख साहब के बगैर, और मुझे अल्लाह ताला की तरफ से ये कुछ होता कि नहीं ऐसा मुल्क में होगा, मैं कभी महाराजा का साथ नहीं छोड़ता, मैं महाराजा का साथ देता। आज के दिन अगर देखें सर तो स्टेटहुड कितनी दूर है? देखिए हम लोग लड़ेंगे, मैं मेरे पास कोई तिलस्मी चलाक तो है नहीं जिसमें मैं कह सकता हूँ कल देंगे, मगर हम लड़ेंगे और हिम्मत से लड़ेंगे। और आज हम अकेले नहीं हैं, आज भारत हमारे साथ है, इंडिया गठबंधन हमारे साथ है, देश के वासी हमारे साथ हैं। इस रियासत से नाइंसाफ़ी की गई है, उस रियासत की नाइंसाफ़ी को दूर करना है इंशाल्लाह। हर एक वक्त नहीं रहेंगे, ये भी चले जाएंगे, इनकी हुकूमत भी चली जाएगी, वो आएगा एक दिन, सिर बहाल होगा। सर नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू रीजन में वीक क्यों है एंड व्हाट स्टेप्स आर यू टेकिंग टू स्ट्रेंथन? वी आर नॉट टेकिंग, वी हैव नॉट बीन दैट वीक। प्रोपेगेंडा सबने ये किया ना, वो कांग्रेसियां हो या भारतीय जनता पार्टी हो, उन्होंने कहा नहीं ये मुसलमानों की पार्टी है, ये तो पाकिस्तान चाहते हैं, यही कहा। हर वक्त ये प्रोपेगेंडा हमारे खिलाफ रहा। अफसोस ये है कि वो ये समझ नहीं सके कि अगर हम पाकिस्तान में जाना चाहते हैं तो 47 में गए होते, आज यहाँ कोई हिंदू नहीं होता, कोई डोगरा नहीं होता,
ये सब भाग गए होते, मगर वो मर्द मुजाहिद था जिसने कहा नहीं, यहाँ हिंदू भी रहेगा, मुसलमान भी रहेगा, ईसाई भी रहेगा, बौद्ध भी रहेगा, ये वतन हम सब का है। सर, ये जो बीजेपी का कहना है कि अगर इंडिया अलायंस यहाँ पे जम्मू कश्मीर में आएगा तो बंदूक भी वापस आएगी, पत्थरबाजी भी आएगी, वायलेंस भी आएगी, और इसके साथ ही अगर मैं जोड़ूं तो IC 814 का एपिसोड अगर आप याद करें, या आप याद करें रबिया सईद का, तो इन चीज़ों को कैसे जोड़ेंगे? कौन जिम्मेवार है? रबिया सईद का जो एपिसोड हुआ, कौन थे होम मिनिस्टर हिंदुस्तान? उनके वालिद जी जो थे ना, जो मफ को भी जिंदा करने वाले थे, थे कौन थे हुकूमत में उस वक्त? कांग्रेस का ही टूटा हुआ हिस्सा था। मैंने यही इस जगह कहा, मत सौदा कीजिए इनके साथ, कोई इसको तकलीफ नहीं देगा, सारे अरब मुल्क इनके खिलाफ हैं, क्या आप औरत पर जुल्म नहीं कर सकते, इसको छोड़ देंगे। अब मैं क्या किस्सा आपको सुनाऊं? 5 के बाद वो 1 पे आ गए थे, 1 को छोड़ दीजिए, उसको या तो आप उड़ी के बॉर्डर पे ले जाइए, उसको क्रॉस करने दीजिए, या इसको ईरान जाने दीजिए। उस वक्त के दौलत साहब जो थे यहाँ पे इंचार्ज थे IB के जी, और उनसे मैंने भी कहा, मैंने कहा भैया, मैं जब अमेरिका से वापस आया, मैंने मुफ्ती सईद साहब से भी उसी वक्त कहा जब वो होम मिनिस्टर थे, घर में मुलाकात हुई दिल्ली में, अरुण नेहरू भी वही थे, मैंने कहा देखिए मैं जाके देखूंगा कि सूरत क्या है, मैं आपसे कुछ नहीं कह सकता, मेरी कैबिनेट ने यह फैसला किया था यहाँ पर 5 को छोड़ देंगे, मैंने कहा बिल्कुल नहीं, हम आतंकवादियों से हाथ मिलाएंगे तो हम कहीं नहीं पहुँचेंगे, बचा नहीं सकेंगे जी। वो समझेंगे जिस तरह रूसियों को निकाल दिया अफगानिस्तान से, अब हम हिंदुस्तान को यहाँ से निकाल देंगे जी। किसने उन्हें सुना नहीं, बल्कि इसी कमरे में गुजराल साहब आए, वो मिनिस्टर थे दूसरे आर्य मोहम्मद खान साहब जी, और IB के चीफ नारायणन आए, मेरे सेक्रेटरी थे मुसर रजा चीफ सेक्रेटरी, और दुल्लत थे। सुबह के 5 बजे, सर्दी का वक्त था, दिसंबर, इतनी सर्दी थी बयान नहीं कर सकते, कांप रहे थे, हमाम में बिठा के कहवा पिलाया, उनको चाय पिलाई, मैंने कहा मैं बात नहीं करूँगा, मेरे चीफ सेक्रेटरी इनको सुनाए कि हुआ क्या है, और दुल्लत साहब सुनाए। उन्हें जब इनको ये सुनाया, आर्य मोहम्मद खान जिंदा है उनसे पूछिएगा, उनने कहा जनाब जो हम वहाँ सुन रहे हैं कैबिनेट में, वो तो है ही नहीं, कैबिनेट में तोड़ मरोड़ के हमें सुनाया जा रहा है, हमें वापस जाना चाहिए, उनसे कहना चाहिए कि फारूक जो कह रहा है वो सही है, मगर गुजराल साहब को ये हुक्म था अगर फारूक नहीं मानेगा डिसमिस कर दो। मैंने चीफ से मैंने कहा लिखिए आप ये, अब जिम्मेवारी जो यहाँ होगी वो मरकज़ी हुकूमत की होगी, जो यहाँ होगा। हुआ वही, जब उन 5 को छोड़ दिया गया यहाँ, उसको लाइटें जलाई गई और गुल मचाया गया, शोर गुल मचाया गया कि बस अब हिंदुस्तान ख़त्म, इंसान चला गया, उसके जिम्मेवार दिल्ली थे। 814 जब ये आए इन 3 को निकालने के लिए, मैंने कहा खबरदार गलत कर रहे हो, और यही दुल्लत उस वक्त रॉ का चीफ था, तशरीफ लाए, तो 20 आदमी इनके साथ थे जम्मू में था। मैंने कहा आप टेररिस्ट से सौदा कर रहे हो, ऊपर कहते हो कि मुल्क को बचाओगे, कैसे बचाओगे अगर यहाँ आग लगाई है किसी ने, इसके जिम्मेवार दिल्ली है, उसी ने इस रियासत को कमज़ोर किया है और आज भी कर रहे हैं। फिर कहते हैं वो नहीं वापस आएगा, वो नहीं होगा, हम इसको मजबूत करेंगे, ये जुमले मार रहे हैं,
क्या भरोसा करेंगे इन पे आप, क्या भरोसा करेगा मुल्क इनके ऊपर जो रोज झूठ के ऊपर झूठ बोलते हैं और फिर डराते हैं हमें। हम डरने वाले नहीं, मैं डरता हूँ तो एक खुदा से डरता हूँ, बस जाना उसी के पास, इनको भी जाना है, इनका हाल भी वही होगा। सर, जैसे मैंने शुरू में कहा, यू आर वन ऑफ द टॉलेस्ट पॉलिटिकल आइकॉन एंड अ लिविंग लेजेंड, लोग आपको पॉलिटिकली रिटायर होने नहीं देंगे, बट आप अपना रोल फ्यूचर में क्या देखते हैं? देखिए, पहले ये इलेक्शन होने दीजिए, फिर मुझसे ये सवाल कीजिएगा। मेरे वालिद कहते थे जब मैं सियासत में गया, मुझे कहते थे मत जाओ सियासत में, कहते बेटा मैंने तुमने मेरा पैर कभी देखा क्या? मैंने बाप का जो मुझे था, आपने देखा बाप को कभी? तो मैं जेलों में था, कभी पहाड़ों पे था, माई थी जो बाप और माँ थी, मत जाओ उसमें। कहने लगे ये दरिया है, इस दरिया में एक दफ़ा कूदोगे या तो तुम इस दरिया के साथ बह जाओगे, अगर हिम्मत होगी तो इस दरिया के खिलाफ लड़ सकते हो, मगर इससे निकल नहीं सकते। आज भी मैं देखता हूँ इस दरिया से मैं निकल नहीं सकता, मेरे लिए भी बहुत काम करना है। उसी ने मुझे हिम्मत दी है, उस अल्लाह ने मुझे सेहत दी है, मुझे काम करना है, मुझे उन ताकतों से लड़ना है जो हिंदू मुसलमान को तोड़ना चाहते। सर, नाउ इन द एंड, इन द इंटरेस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, क्या आपके पोते पॉलिटिक्स में आएंगे? मतलब दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, दोनों वकील हैं, आगे क्या ज़िंदगी में होगा उनके लिए वो तो अल्लाह जानता है। अगर उनके लिए अल्लाह ने रखा होगा कि वो इनकी तकदीर में आगे चलेंगे, होगा। आपकी क्या सलाह रहेगी? मैं तो कहूँगा यार, जितना बेहतर है सियासत से बाहर ही रहो, वकील रहोगे तो ज़िंदगी अच्छी रहेगी। एक दफ़ा इस दरिया में मैंने बाप ने जो कहा ना, इनका हाल भी वही होगा। मेरी तो एडवाइस इनको होगी, ठीक है वकील बन के हमारी मदद करो, लोगों की मुश्किलें दूर करो, गरीब है, उनके पास पैसा नहीं है कि अपनी बेकसूरी को साबित कर सके, बहुत बड़ा प्रोफेशन, उस पर जाएं सिबल की तरह। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स फॉर स्पेयरिंग सच अ लॉन्ग टाइम फॉर मी। अल्लाह का शुक्र है आप आई, अल्लाह करे कि लोगों में ये बात फैले कि अगर हमने ज़िंदा रहना है तो इंसानियत से रहना है, मोहब्बत से रहना है, एक दूसरे को पहचानने की कोशिश करनी है। कोई धर्म बुरा नहीं है, इंसान बुरा है, धर्म बुरा नहीं है। धर्म आपको दूर नहीं करता है, धर्म आपको जोड़ता है। अल्लाह करे कि हम अपने मज़हब को पहले समझें। अगर मैं अपने मज़हब को नहीं समझता, मैं आपके मज़हब को क्या समझूँ? आज तो ये हालत हो गई, हमारे बच्चे नमाज नहीं पढ़ते, कुरान नहीं पढ़ते, आज नशे में लगे हुए हैं। और बिना नशे की बीमारी जो है इस रियात को ख़त्म कर देगी। उस नशे के ख़िलाफ़ लड़ना है, हम सब ने लड़ना है, आपने, मैंने, जो भी है। अगर इस बीमारी को हम यहाँ से दफन नहीं करेंगे, यहाँ कुछ नहीं रहेगा। Thank you, sir. Thank you all, and all the best to all of us. God bless you. God bless you.